दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टोटल चार शेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं IRFC के बारे में, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें 1.5% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच IRFC को लेकर कुछ बड़े नंबर्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। जनवरी 2021 से अगर आपने IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन अभी भी आप काफ़ी बड़े लॉस में हैं, यानी कि IPO के बाद से आपको इस शेयर्स के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो क्या यहां पर हमें अब एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है? सारी चीजों को डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ इंटरिम डिविडेंड और 1:1 के बोनस को लेकर भी जो बड़ी अपडेट्स यहां पर निकल कर आई है, उसको भी इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि इंडियन रेलवेज को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसके वॉल्यूम बेस काम में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। यानी कि अगर पिछले एक महीने की वॉल्यूम बेस काम को अगर आप देखेंगे, तो इस शेयर्स के अंदर ऑन एन एवरेज हमें 92 लाख से लगभग 1 करोड़ तक की वॉल्यूम्स देखने को मिलती थी, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इस शेयर्स के अंदर 2 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह है कि कंपनी ने अपने Q4 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। IRFC के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की तरफ भी नजर मारें तो कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली हमें राइज होते हुए देखने को मिल रहा है। जहां 2017 में IRFC का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 933 करोड़ रुपए था, वहीं 2021 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 4,416 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। लगभग यहां पर 4 गुना ग्रोथ हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। बात करें कि IRFC को लेकर क्या नंबर्स निकल कर आए हैं, तो कंपनी ने अपनी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के नंबर रिलीज कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक हमें एज इट इज यहां पर देखने को मिल रहा है। 86.36% का स्टेक प्रमोटर्स के पास में है और यहां पर एक भी शेयर प्रमोटर्स का गिरवी नहीं है। वहीं अगर हम DII की होल्डिंग्स की बात करें तो DII ने मामूली सी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक की बात करी जाए तो FII ने यहां पर खरीदारी कर रही है। जी हां दोस्तों, FII की होल्डिंग्स जो कि दिसंबर क्वार्टर में 1.09% की थी, वही मार्च क्वार्टर में बढ़कर 1.12% पर पहुंच गई है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बात करें पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में, तो 9.34% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में हमें देखने को मिलता था दिसंबर क्वार्टर तक, जो कि अब घटकर मार्च क्वार्टर में सिर्फ 9.33% का देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने IRFC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजिशंस को IRFC के अंदर कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.25% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस शेयर्स को लेकर भी इंपोर्टेंट यहां पर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो SBI के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम देखने को मिला, यानी कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई है। लेकिन ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो यहाँ पर बायर से ज़्यादा हमें सेलर हावी होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि SBI के अंदर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अभी भी हम कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे मुनाफे में है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो SBI अब काफ़ी बड़े मुनाफे में आ चुकी है। जहां 2018 में कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपये का लॉस डिक्लेयर किया था, वहीं 2021 में कंपनी 22,000 करोड़ रुपये के मुनाफे में आ चुकी है, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ हमें इस बैंक की भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर SBI ने भी अपनी मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न रिलीज कर दी है, जिसमें सबसे पहले बात करें प्रमोटर्स के स्टेक की, तो 57.59% का स्टेक अभी भी हमें यहाँ पर प्रमोटर्स का ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर FII की बात करें तो FII ने SBI के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करी है, आप देख सकते हैं 9.97% का स्टेक FII का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं अगर DII की बात करें तो DII ने अपने स्टेक को SBI के अंदर इंक्रीज किया है, 24.80% का स्टेक हमें DII का SBI के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने SBI के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शॉर्ट टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। IRFC की बात करें तो एक स्लो मूविंग शेयर से, SBI की बात करें तो यहां पर टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट बुकिंग करना भी आना चाहिए, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
ट्रेडर के लिए, तो इन रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जहां पर इस वीक आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। कंपनी का नाम है श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% की गिरावट हमें स्पेनी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन स्पेनी शेयर्स ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:1 के रेशो का बोनस शेयर्स अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डेट की बात करें तो 27 अप्रैल 2022 कंपनी के बोनस की एक्स डेट है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 25 अप्रैल 26 अप्रैल यानी कि सिर्फ 2 दिन का समय है आपके पास, यदि आप यहां पर 1:1 के बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो। लेकिन कंपनी हाईली रिस्की है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें और साथ ही साथ अपनी खुद की भी रिसर्च कर लें, क्योंकि यहां पर आपका पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर एक एक रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हैं, रिजल्ट अच्छे निकल कर आए हैं। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर भी हमें मार्केट क्रैश होने के बावजूद इस शेयर के अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करें HCL टेक को लेकर क्या इंपॉर्टेंट डेट यहां पर निकल कर आ रही है, तो कंपनी ने जो इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जी हां दोस्तों, ₹42 पर शेयर्स का जो कंपनी ने इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसकी एक्स डेट भी हमें इसी वीक देखने को मिलने वाली है। 28 अप्रैल 2022 HCL टेक के इंट्रीम डिविडेंड की एक्स डेट डिसाइड करी गई है, यानी कि 28 अप्रैल के पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहां पर 28 अप्रैल तक अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखते हैं तब जाकर आप यहां पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप 28 अप्रैल के पहले अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ कर देते हैं, यानी कि जो शेयर्स आपने खरीद रखे हैं उन्हें अगर आप बेच देते हैं, तो उसके बाद में आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको कॉमन प्रॉब्लम्स यहां पर बताना चाहता हूं, जैसे कि कंपनी ने ₹42 पर शेयर्स का इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो जिस भी दिन कंपनी इंट्रीम डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी उस दिन आपको इसकी शेयर प्राइस में भी सेम अमाउंट से प्राइस एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ये चीज बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता रहती है, लेकिन ये चीज एक इन्वेस्टर्स को, एक शेयर मार्केट ट्रेडर्स को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है कि जो भी रेशो से कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट करती है उसी रेशो से आपको जो प्राइस है वो भी एडजस्ट होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन अगर उस शेयर्स को लेकर मार्केट में डिमांड अच्छी है तो आपको अगेन उस शेयर्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी उस सेम टाइम देखने को मिल जाती है, जिससे बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टर इसको एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, HCL टेक के ऊपर भी आप इसी प्रकार से नज़र बनाए रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।